जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो? आप सभी, आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ में आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पे। होली आने वाली है, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में। उसके बाद आएगी हमारी नवरात्रि, तो चैत नवरात्रि भी आने वाले हैं, होली भी आने वाली है। बहुत सारी साधनाएं करनी है, सिद्धियां नहीं बोलेंगे, सिद्धियों को मैं इतना महत्व नहीं देती जितना हम चाहते हैं कि हम माँ के करीब हों, हम शिव जी के करीब हों, हम हनुमान जी के करीब हों। जो भी आपके ईष्ट है आप उनके करीब हों। सिद्धियों को इतना महत्व नहीं देते, मैं नहीं देती सिद्धियों को इतना ज्यादा महत्व। तो हम बात करेंगे होली की साधना के बारे में। नवरात्रि भी आएगी तो नवरात्रि की साधना भी बताऊंगी, लेकिन नवरात्रि की जो साधना होगी उसमें थोड़े नियम ज्यादा होंगे और वो 9 दिन की साधना होगी। होली की जो साधना होगी वो होती है 1 दिन की साधना, और होली के दिन किसी भी मंत्र का जाप किया जाए बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। और कुछ मंत्र अपने आप में पहले से सिद्ध होते हैं, और जब हम किसी विशेष दिन में उनका जाप करते हैं तो वो मंत्र जागृत हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से मंत्र हैं, हमें कौन कौन से मंत्रों का जाप करना है होली पे, कौन कौन से मंत्रों का जाप नहीं करना है, शाबर मंत्रों का जाप करना है या नहीं करना है, बहुत सारी जानकारी आपको दूंगी। और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। देखिए, होली की रात, दिवाली की रात, हमारी नवरात्रि, हमारी शिवरात्रि और होली की दौज, होली की दूज बोलते हैं जिस दिन बहने भाई को टीका करती है, वो वाला दिन, ये कुछ ऐसे दिन हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। हम 1 महीने में, हम 41 दिन में, हम 51 दिन की साधना में हम जितनी मालाओं का जाप करते हैं ना, उतना फल हमको इन दिनों में 1 दिन जाप करने से मिल जाता है। मान लीजिए आपने 41 दिन की साधना उठाई और उन 41 दिन में आपने जितनी भी ऊर्जा इकट्ठी की है, जितनी भी पावर आपने इकट्ठी की है, वो पावर आप 1 दिन में पा सकते हैं। दिवाली की रात यानी कि अमावस्या, वो अमावस्या की रात बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। होली की रात, होली यानी कि पूर्णिमा, अमावस और पूर्णिमा ये दिन वैसे भी अपने आप में बहुत ज्यादा ऊर्जा रखते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करो। और मंत्र के साथ साथ उच्चारण उनका सही होना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरीके की साधनाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं, और अलग अलग मंत्रों की अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। कौन मंत्र किस तरीके से कार्य करेगा, अब बहुत से लोग क्या एक मंत्र से बहुत सारे कार्य लेते हैं। भूत भगाने का मंत्र अलग होता है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए भी मंत्र होते हैं, साधनाएं होती हैं, तो वो मंत्र अलग होते हैं। तांत्रिक मंत्र अलग होते हैं, वैदिक मंत्र अलग होते हैं और शाबर मंत्र अलग होते हैं। शाबर मंत्र भी मैं आपको बताऊंगी, शाबर मंत्र भी अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और साबर मंत्र जो रहते हैं ना, सबसे ज्यादा वो किस लिए यूज में आते हैं, अपना अपना काम देवी देवताओं से करवाने के लिए। वैदिक मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय हो गया, बीज मंत्र ओम क्रीम कली का नमः हो गया, ये जो छोटे छोटे मंत्र है ना, इनसे हम देवी देवताओं की, ईश्वर की कृपा पाते हैं, उनकी कृपा को महसूस कर पाते हैं। लेकिन शाबर मंत्र जो कि ग्रामीण भाषा में है और इतनी ज्यादा उनमें, क्योंकि हम उनमें देवी देवताओं को शपथ दे देते हैं, कसम दे देते हैं, दुहाई देते हैं, पता नहीं कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है शाबर मंत्रों में, तो देवी देवता मजबूर हो जाते हैं और वो आपका कार्य करते हैं। फिर उनमें से ऊर्जा और देवी देवता किस रूप में आएंगे, तो शाबर मंत्रों का जब भी मैं जाप करने के लिए बोलती हूँ ना, या तो मैं आपको मंत्र ऐसे देती हूँ कि आप उनकी ऊर्जा को भी झेल सकें और उन मंत्रों से आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें आपको आपके गुरु के संरक्षण में ही जाप करना चाहिए, यानी गुरु से पहले आप आज्ञा लें कि आप इस साबर मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको करना चाहिए या नहीं। और अगर आप गुरु आज्ञा दें तो पूरा नियम कायदे जानने के बाद ही आप उन मंत्रों की साधना उठाएं। साबर मंत्र कई बार नुकसान भी दे जाते हैं, है ना, ये तो थोड़ा बहुत सोच समझ के। होली के दिन
आपको साधना बता रही हूं मैं, कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, होली की रात एक ऐसी रात है जिस दिन तांत्रिक बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। आपके घर में जादू टोने भी सबसे ज्यादा होली वाली रात के दिन होते हैं, दिवाली वाली रात के दिन होते हैं। मैंने अक्सर ये चीज नोटिस की है कि होली की रात को आप देखना जाके, आप जिस दिन होली जलती है, एक तो जलती है और एक खिलती है, तो टोने टोट के सबसे ज्यादा जो होते हैं वो कब होते हैं, जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके होते हैं। आप जाइएगा, घर से निकलिएगा, चौराहे पर जरा नजर मार के आइएगा, इतने टोटके आपको मिलेंगे ना कि मैं क्या ही बताऊं। कुछ लोगों के घर में भी ये बहुत सारे जाऊ टोने, ये होली की दौज वाले दिन भी होते हैं और होली जिस दिन जलती है उस दिन भी होते हैं। और मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट आ जाएंगे बहुत सारे, जिन लोगों के साथ हुआ है होली की रात वाले दिन, कभी उनके घर में कोई अंडे रख के जाता है, कोई नींबू रख के जाता है, कुछ कीले पड़ी होती है, किसी के खून के चीटे होते हैं, किसी के मांस के टुकड़े पड़े होते हैं, बहुत सारे जादू टोने किए जाते हैं। और तांत्रिक लोग इस दिन बहुत साधनाएं करते हैं, अघोरी इस दिन बहुत साधनाएं करते हैं। और ये जो साधक रहते हैं ये तो इंतजार ही करते हैं, इनको त्योहारों से मतलब नहीं होता। साधक जो होते हैं, तांत्रिक जो होते हैं, अघोरी जो होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के भगत जो सिद्धियां करते हैं, साधना करते हैं, उनको त्योहारों से मतलब नहीं होता कि भाई उनको दिवाली सेलिब्रेट करनी है या उनको होली सेलिब्रेट करनी है, कुछ भी। वो सिर्फ एक दिन का इंतजार करते हैं और वो अपनी पावर को बढ़ाते हैं। तांत्रिक तरीके से भी लोग साधना करते हैं, और तांत्रिक तरीके से जब लोग साधना करते हैं तो उसमें वो शमशान में जाते हैं, शमशान में मध्य रात्रि में साधना करते हैं। भगत जो रहते हैं वो माँ काली के मंदिरों में बैठ के साधना करते हैं, तामसिक तरीके से, जिसमें क्या बोलते हैं, बकरे की कलेजी, शराब की बोतलें, अंडे, इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं। सात्विक रूप से जो लोग साधना करते हैं वो अपने घर में बैठ के करते हैं। तो ये दिन बहुत विशेष महत्व रखता है अपने आप में। अब आपको कौन कौन से मंत्रों का जाप करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय नवान मंत्र है। इसमें आपको महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीन देवियों की कृपा प्राप्त होगी। और जब तीनों देवियों की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपको क्या ही चाहिए। महाकाली की जब कृपा आपको प्राप्त होगी तो आप अपनी बात को खुलकर किसी से कह सकेंगे, आपके अंदर से डर खत्म होगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, गलत चीजें आपसे बर्दाश्त नहीं होंगी, आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकेंगे, विरोधी आपको परास्त नहीं कर सकेंगे, आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, आपके चेहरे पर ऐसा एक तेज आएगा ना कि लोग आपको देखते से ही बोलेंगे कि भाई किस चीज का ये ग्लो है। भक्त के चेहरे पे एक अलग ही तेज रहता है, महाकाली में इतनी पावर होती है। और लक्ष्मी जी की कृपा होगी तो हर कार्य में आपको सुख समृद्धि वैभव प्राप्त होगा, किसी भी प्रकार की कमी आपको धन वैभव की नहीं रहेगी, बच्चे आपके आपके परिवार में बरकत रहेगी। सरस्वती मैया की जब कृपा होगी तो वाक शक्ति आपको प्रदान होगी, आप संगीत के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप कला के क्षेत्र में जा सकते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें आपकी हर जगह से जय जयकारी होगी। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ओम क्रीम कालिकाय नमः, माँ काली का बीज मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये भी शिव पुराण में दिया गया भोले बाबा जी का मंत्र है। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं। अच्छा, आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ भी इस दिन कर सकते हैं, आप 11 पाठ कर सकते हैं, आप चाहें तो 51 पाठ कर सकते हैं, या फिर आप पूरी एक माला हनुमान चालीसा के पाठ की कर सकते हैं इस दिन। अब विश्वास मानिए, आप सब छोड़िए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए पूरी एक माला इस दिन, और एक माला से ज्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे आपको एक माला करने में हनुमान चालीसा की। अपने आप में एक अलग ही ऊर्जा महसूस करेंगे आप। और जब भी आप मंत्र का जाप करें, मैं आपको पूरी विधि बता देती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। 10 बजे से आप अपनी साधना में बैठेंगे। सबसे पहले तो आपके घर में जो नॉर्मल पूजा पाठ होती है, होली उस दिन जलाई जाएगी, है ना, होली जिस दिन जलाई जाएगी उस दिन आपको साधना करनी है, वो दिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जिस दिन खिलती हुई है उस दिन भी लोग साधना करेंगे, लेकिन जो मोस्ट, जो जिस दिन तांत्रिक बहुत ज्यादा साधनाएं करते हैं, जिस दिन अघोरी साधक भगत, या मैं भी जिस दिन साधना करूंगी, वो है जिस दिन होली जलाई जाएगी। जो सबसे पहले तो आप सुबह में उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, वही आपका नॉर्मल सब कुछ रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, किसी भी प्रकार की मांस मदिरा का प्रयोग आपको नहीं करना, सिगरेट वगैरह, तम्बाकू, जो भी आप खाते हैं मुंह, उन सब चीजों का आपको उस दिन तो परहेज करना है।
शाम के टाइम आप अपने परिवार के साथ में होली जलाएंगे, और होली के भी कुछ टोटके होते हैं, मैं आप छोटे छोटे जो 30-30 1-1 मिनट के जो सेकंड के जो वीडियो होते हैं उसमें बता दूंगी। होली वाले दिन भी बहुत सारे टोटके किए जाते हैं अपने घर की रक्षा के लिए, बच्चों की नज़रदोश के लिए, और होली की जो राख रहती है वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उसका यूज़ आप किस प्रकार से कर सकते हैं ये भी मैं आपको आगे वीडियो में, जो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे मेरी शॉर्ट वीडियो उनमें मैं आपको बता दूंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो परिवार के साथ शाम को आप नॉर्मल तरीके से होली जलाएंगे, उसके बाद रात में 10 बजे से 10 या 11 बजे से आप अपनी साधना पर बैठेंगे, पूजा वाले रूम में जाएंगे, जिस जो भी मंत्र आप जाप करना चाहते हैं, आप चाहे तो ओम गण गणपते नमः जो भी आपकी इष्ट है, आप क्लीम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, अगर आपको आकर्षण चाहिए अपने चेहरे पर, एक तेज चाहिए, आप क्लीम मंत्र का जाप करें। क्लीम और क्रीम अलग अलग, तो क्लीम मंत्र भगवान कृष्ण के लिए भी जाप किया जाता है, और क्लीम मंत्र का जाप नवान मंत्र में माँ काली के लिए भी किया जाता है, तो आप किस के लिए कर रहे हैं आप इस चीज को ध्यान में रख के ही मंत्र का जाप करें। ठीक है, 10 बजे से 11 बजे से जो भी आपके पास टाइम है, आपके घर में शांति हो जाए, आप जाइए अपने पूजा वाले रूप में, आप अपना आसन बिछाइए, अपनी माला उठाइए। ठीक है, और सबसे पहले आप संकल्प लीजिए, संकल्प लेना बहुत जरूरी है किसी भी साधना में, किसी भी पूजा में बिना संकल्प के किया गया कोई भी पूजा पाठ मान्य नहीं होता, गंधर्व उसको लेके चले जाते हैं, देवता उसका पूरा फल लेके चले जाते हैं। तो पहले आपने दाएं हाथ में जल पुष्प अक्षत लें, अपना नाम बोलें, अपने पति का नाम, पिता का नाम, जो भी आपके हैं आप उनका नाम बोलें, बोलें कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा निवास स्थान ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं आज इतनी माला जाप करूंगा इस मंत्र की, तो हे माँ काली, हे माँ दुर्गा, और ओम दुम दुर्गाय नमः, ये भी मंत्र है जो को याद आते चल रहे हैं, इसका भी आप जाप कर सकते हैं, जो भी जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, हे गणपति जी, हे हनुमान जी महाराज, हे शिव जी महाराज, आप मेरी इस साधना को निर्विघ्न पूर्ण करने की मुझ पर कृपा करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें, आपका आशीर्वाद प्रदान करें, इस प्रकार से संकल्प लेके आपको जल छोड़ देना है। ठीक है, भगवान गणेश जी का ध्यान करना है, अपने गुरु जी का ध्यान करना है, अपने गुरु मंत्र की एक माला आपको जरूर करनी है, एक माला ना करें तो 21 बार या 51 बार अपने गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। उसके बाद इस प्रकार मुद्रा बना के आपको गहरी लंबी सांस लेनी है, थोड़ा रेस्ट करना है, फिर सांस को छोड़ देना है, फिर लंबी सांस लेंगे, फिर थोड़ा सांस को रोकेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, फिर सांस को रोकेंगे कुछ सेकंड के लिए और सांस छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, आप जो भी मंत्र जाप करेंगे आपका उसमें अच्छे तरीके से फोकस होगा, और जिन लोगों को समस्या रहती है कि भाई वो जब मंत्र जाप करते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, यानी कि घर के काम कुछ याद आ रहे हैं, मन कहीं कहीं भागा जा रहा है, तो इस चीज में उनको कहूंगी मंत्र जाप करने से पहले, साधना उठाने से पहले 5 मिनट आप ध्यान करें, सीधी चित्त, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, सीधे सत्र बैठ जाइए और 5 मिनट आप ध्यान करें, उसके बाद आप मंत्र जाप करें। ठीक है, संकल्प हो गया, सब चीजें मैंने आपको बता दी, आसन पर बैठेंगे, आप जोत जलाएंगे, घी की तेल की जो भी आपके ईस्ट है ये सब चीजें आपको पता है कैसे क्या करना है, जो भी उस दिन का भोग रहेगा, माँ काली का है तो पान पेड़े का, माँ दुर्गा है तो आप लाल पुष्प चढ़ाइए, गुड़ल के पुष्प चढ़ाइए, जिस ये सब चीजें आपको पता है, मैं हर बार आपको बताती हूँ, मैन हम साधना पर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद जो भी मंत्र आपको जाप करना है आप करिए, कम से कम 3 घंटे तो आप बैठिए और बोल कर नहीं, मानसिक रूप से जाप करिए। ठीक है, मानसिक रूप से आपको इन मंत्रों का जाप करना है, माला आपकी चलती रहेगी। ठीक है, और 3 घंटे बाद जब आप उठेंगे अपने मंत्र जाप के बाद, तो आपको थोड़ा सा जल लेना है, नीचे छोड़ना है, और वहीं नीचे से लेके आपको मस्तिष्क पर 3 बार लगा के और अपने गुरु का ध्यान करके ओम 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 इस प्रकार से बोल के आपको अपनी जगह से उठ जाना है। कम से कम 3 घंटे तो आप जाप जरूर करें, और ज्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने मंत्र बता दी थी होली के लिए। हाँ, शाबर मंत्र भी बताऊंगी, शाबर मंत्र आपको मेरे फर्स्ट वाले चैनल पे, काली माँ की बेटी 2-3 वाले चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि इस मंत्र पे मैं सिर्फ आपको, इस चैनल पे मैं आपको सिर्फ वैदिक मंत्र ही बताती हूँ, बीज मंत्र बता देती हूँ, लेकिन शाबर मंत्रों को मैं इस वाले चैनल पे नहीं बताती हूँ। इस चैनल पे मैं सिर्फ आपको माँ से जोड़ने का काम करती हूँ, सिर्फ सिद्धियां विद्धियों को मैं इतना महत्व नहीं देती, वो जो मेरा चैनल है उस पर मैं साधनाएं बताती हूँ, जो वाकई में जो साधक हैं, जो भगत भक्ताई लाइन में जाना चाहते हैं लोगों के लिए है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में सभी को जय माता दी जय मां काली जरूर लिखना है, आप सभी को बहुत सारा प्यार, धन्यवाद।